चचा की तबीयत खराब थी, उनके बारे में क्या हाल है, कैसी है तबीयत उनकी? जी, मैंने कल ही पढ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने हम पर एक और एहसान किया है कि हमको ऐसी मजलिसें हमारी नियतों के मुताबिक अता करता है, जिसकी वजह से हम अपने इल्म में इजाफा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला इसके जरिए हमारे इल्म में भी इजाफा करे और हमारे अमल में भी इजाफा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट क्लास का खुलासा था वो आयतुल कुर्सी पे हम बात कर रहे थे। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो ही सिफात का अल्लाह ताला की इतनी तफसील से जिक्र किया कि हमारी एक क्लास मुकम्मल हो गई। तो इसके अलावा भी आप और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में अगर हम बोलना शुरू करेंगे या लिखना शुरू करेंगे तो जैसा कि कुरान कहता है कि जमीन पर तमाम दरख कलम बन जाएं और तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तब भी अल्लाह ताला की बातें खत्म नहीं होंगी और उसके इल्म खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह जितना भी हमें इल्म दे रहा है, अल्लाह उस पर हमें शुक्रगुजार बंदे बनाए और उस अपने इल्म में इजाफा के साथ अमल में भी इजाफा करे। तो हम पढ़ रहे थे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जान लिया कि कुरान की सबसे अजीम आयत ये आयतुल कुर्सी है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने माबूद हकीकी होने के बेहतरीन बेहतरीन दलायल दिए हैं। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक क्यों है इसके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी इन चंद सिफात के जरिए हम पर ऐसी हुज्जत वाजे कर दी है जिसके बाद कोई शक व शुबा हमारे दरमियान बाकी नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली क्लास में बहुत ही इल्मी बातों को जानकर हमने अपने इल्म में इजाफा किया और इसके अलावा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को मुख्तसर ही जानने की कोशिश की और उसकी अहमियत को समझने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जाना कि जो भी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो अगली नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में होगा इंशाल्लाह। कम से कम हमें नमाज से फारिग होकर फौरन ही उठना नहीं चाहिए, बल्कि कम से कम चंद मसनून अजगार के साथ साथ आयतुल कुर्सी भी पढ़ने का हमें आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे हमारी हिफाजत होगी, हम अल्लाह की हिफाजत में होंगे और जो इस बात की आदत डालेगा वो यकीनन जन्नतियों में से होगा। मौत के सिवा कोई चीज उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये नेक और सालिहीन का अमल है, हमारे नबी का अमल है, अल्लाह के खास खास बंदों का ये अमल हुआ करता है। तो ऐसा अमल को हमें भी अपनाना चाहिए। जब कभी भी हम फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत को हरगिज हरगिज ना छुपें, ठीक है? सुभान अल्लाह, अब तो हम सब इसके एक एक लफ्ज को खोलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे और हमारी दुआओं में तासीर पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर हमने जाना कि अल्लाह ताला के तारुफ की ये एक जामे और अजीम आयत है, यानी इसमें अल्लाह ताला अपना तारुफ दे रहा है हम बंदों के लिए कि अल्लाह कौन है, क्यों उसकी इबादत हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा इसमें 10 जुमले हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि अल्लाह ताला की इन्हीं सिफात के जरिए अल्लाह ताला माबूद हक होने का मुस्तहिक है। तो पहले लफ्ज लफ्ज जलाला के बारे में भी हमने जाना और इसके बाद इसमें आजम यानी अल हय्यु अल क़य्यूम की भी हकीकत को हमने जाना। ये इसीलिए अब हम आगे इससे बढ़ते हुए
अपने इल्म इस कलमे इसी कलमे की अहमियत यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात देने के लिए भी लाजिम हुई। जैसा कि आप और हम जानते हैं, जब यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर मछली के पेट में चले गए तो उन्होंने इसी कलमे के जरिए अल्लाह से मदद मांगी। आप लोगों को वो दुआ मालूम है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई शिकवा नहीं किया, कोई अपनी नबी होने के वो नहीं बताया, नहीं जताया, बल्कि मुसीबत के वक्त उसने अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह, तू ही है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ, तू पाक है और मैं ही कसूरवार, मैंने ही तेरे हुक्म की पाबंदी नहीं की कर निकल गया, ये मेरा ही कसूर है, तू माबूद बरहक है, तू माबूद हकीकी है, क्योंकि वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है। और अल्लाह ने इसी दुआ के बदले उनकी नजात भी दे दी और कहा इसके ये खास यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, बल्कि ये इसके बाद जो भी अपनी मुसीबतों में अल्लाह से इस दुआ पढ़कर दुआ मांगेगा तो इंशाल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल होगी, ना कि किसी और को बुलाकर घर में बिठाकर बींजों का सवा लाख मरतबा विर्द कराना, पका के खिलाने से अपनी मुसीबतें दूर होंगी। मेरी बहनों, जिसको दर्द है वही गोली खाएगा तो उसको शिफा होगी, उसी तरह जिसकी मुसीबत है उस मुसीबत को उसे ही अल्लाह से दूर कराने की दरख्वास्त करनी है, लोगों से उसकी दरख्वास्त नहीं कराना है। तो ये अमल जो आजकल मशहूर है कि ये आयत अजीमा का विर्द करा रहे हैं, सवा लाख मरतबा बिठा के पढ़ा रहे हैं वगैरह, खाना खिलाते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं। अल्लाह हमारी बिदआत से हमारी हिफाजत फरमाए। फिर हमने इसके बाद जाना कि वो जिंदा है, किस तरह असली जिंदगी उसके साथ है और वो सबको कायम रखने वाला भी है, यानी उसकी जिंदगी असली जिंदगी है, उसके अलावा तमाम की जिंदगी उसके अता करदा है। और इस बात की गवाही खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म खाइमन बिल क़िस्त। क्या माने, अल्लाह ताला खुद इस बात की गवाही दे रहा है। आप सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी बात की गवाही दे तो उससे बढ़कर कोई है सच्ची गवाही दे सकता, बिल्कुल नहीं, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। शहीद अल्लाह, अल्लाह ही गवाही दे रहा है कि उसके अलावा कोई माबूद हक नहीं, और मलाइका और इल्म वाले, मलाइका फरिश्ते और इल्म वाले इस बात पर कायम है इंसाफ के साथ कि हाँ यही बात सच है, यही बात हक है, बोलकर ये दलील दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने माबूद होने का अल्लाह ताला ने दलील दे दिया। क्या दलील दिया, कि ये माबूद इसलिए है कि उसके अंदर ये सिफात है, ताकि इत्माम में हुज्जत हो जाए, इसमें कोई शक करने वाला शक बाकी ना रहे, कोई इनकार करने वाले का इनकार बाकी ना रहे, और खालिक और मखलूक का फर्क भी साफ साफ जाहिर हो जाए। समझ रहे ना मेरी बहन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाना था पहली क्लास में अल्लाह की हयात अल हय है। अब आज हम शुरू करेंगे अल खय्यूम के बारे में। अल खय्यूम के दो माना है मेरी बहनों, क्या माना है, खाइमुन बि नफ्सिही, और दूसरा माना खाइमुन अला गैरिही। पहला माना क्या लेंगे, खामा से है ये, खाइमुन बि नफ्सिही, यानी वो खायम है, उसका वजूद किस, वो खुद अपने से खायम है बगैर किसी खायम करने वाले के। खायमुन बि नफ्सिही माने वो अल्लाह ऐसा है जो खुद से खायम है बगैर किसी खायम करने वाले के, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको किसी ने खायम नहीं किया। और दूसरा खाइमुन अला गैरिही, यानी दूसरा माना क्या है, दूसरों को वो खायम रखने वाला है, दूसरों की वो निगरानी करने वाला है, दूसरों को वो देख रहा है, उनको जिनको जिनको क्या क्या जरूरत है वो पूरी कर रहा है, वो किसी का मोहताज नहीं है बल्कि दूसरे उसके मोहताज हैं। सब ने अपने वजूद में अपने हाजात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के मोहताज हैं। हम सब अल्लाह के वजूद में अपनी हाजात पूरी कराने के लिए किसके मोहताज हैं,
अल्लाह रब्बुल इज्जत के। यही माना असमद में भी है मेरे वाले मेरे बहनों। असमद के माने भी बेनियाज, कुल हुवल्लाहु अहद कह दो अल्लाह के, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसके जैसा कोई नहीं। माबूद कौन बनने का हक रखते हैं? जो किसी का भी कभी भी मोहताज ना हो, बल्कि सब उसके मोहताज हो। ठीक है, ये माना साफ जाहिर है। जो किसी का मोहताज है वो माबूद नहीं हो सकता। जो दूसरों पर खायम हो, उसको मालूम ही ना हो दूसरों के साथ क्या हो रहा है, वो किसकी क्या मदद करेगा। यानी जो माबूद होने का दावा करते हैं उनको खुद मालूम नहीं कि दूसरों की क्या क्या जरूरतें हैं। वो आकर अगर बताएं तब भी वो उनकी पूरी जरूरत पूरी करने पर पूरी तरह खादिर नहीं है। ठीक है, ये दोनों अल्लाह की सिफात है और अल्लाह के नाम है। एक तो हई, दूसरा एक खयूम, जो खुद कायम है और दूसरों को भी कायम रखने वाला है, और सब उसके मोहताज है, सब और सबका वो निगरान है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनीउल हमीद। ऐ तमाम लोगों, या अय्युहन नास बोल रहे हैं यहाँ पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं बोल रहे, यानी तमाम दुनिया में हर इंसान फितरत पे पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, मगर उसके लोग उसको अलग अलग फिरकों में तब्दील कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा, ऐ लोगो तुम तमाम के तमाम मोहताज हो, फकीर हो, हाजतमंद हो, किसकी तरफ? इल्लाह, अल्लाह की तरफ। वल्लाहु वल गनीउल हमीद, और अल्लाह क्या है? वो बेनियाज है और बहुत तारीफों के लायक है। समझ रहे ना, ये है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं तमाम के तमाम लोग अल्लाह की तरफ मोहताज है और अल्लाह ताला बेनियाज है और तारीफ के काबिल है। हम जब आए खाली हाथ आए ना, और हम जब जाएंगे जब भी खाली हाथ जाएंगे। हमने जो माल कमाया, हालांकि वो तो अल्लाह का है, मगर फिर भी हम उसके मालिक बने बैठे हैं, वो भी हमारे साथ नहीं जाएगा, इल्ला ये के हमारे नेक आमाल या बद आमाल, बुरे आमाल या अच्छे आमाल ही हमारे साथ जाएंगे ना। हाँ, अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल वो बाकी रह जाएगा इंशाल्लाह। तो हम उसके मोहताज है मन मालूम हो गया, और वही माबूदे बरहक है मालूम हो गया। और हम किस किस के मोहताज है? खाने पीने के और हवा के, एक मोतदिल मौसम के, जैसा कि मैंने कहा था। मगर अल्लाह ताला को इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। और जैसा कि बनी इसराइल का क्या बोलते अकीदा था, देखिए कि वो ईसा अलैहि सलाम को और उनकी वालदा को माबूद बनाकर बैठे हुए थे, उनको खुदा कहते थे। तो अल्लाह ने उसकी तर्दीद कैसे दी, किस मिसाल के जरिए दी? क्या कहा अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम और उनकी वालदा के बारे में? काना या कुलान ताम, वो दोनों तो खाना खाते थे। ईसाई जो खुदा और माबूद बना बैठे थे उनको अल्लाह ने किस तरह इनकार किया? अरे वो तो इंसान थे, इंसान होने की दलील क्या है? वो खाना खाते थे। अपने वजूद को बाकी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, हवा की जरूरत है, लिबास की जरूरत है। मगर ये तमाम चीजों की अल्लाह को जरूरत है? नहीं। वो हुआ युतइमु वला युतअमु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो खिलाता है खाता नहीं। अल्लाह ताला खिलाता है खाता नहीं, ये भी सूरह नाम की आयत है। देखिए कितना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो क्या फरमाते थे? अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंतल खय्यूमुस समावाति वल अर्ज। मुख्तलिफ दुआओं के साथ साथ ये दुआ भी पढ़ा करते थे। क्या बोलते थे? अल्लाह तू तारीफ के काबिल है, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह लकल हम्द, तेरे लिए तमाम तारीफ है, सारी तारीफ है, तू आसमानों और जमीन के दरमियान में जो कुछ है उन सबको कायम रखने वाला है। अंतल खय्यूमुस समावाती वल अर्ज, तू कायम रखने वाला है जो जो भी आसमानों में है और जो जो भी जमीन के अंदर है। कितनी प्यारी बात है। इस बात को साबित करने से क्या बात सामने आई कि दुनिया में जितने भी माबूद बातिल हैं
उनके अंदर ये सिफत मौजूद नहीं है। ये सिफत किस में है? सिर्फ हमारे अल्लाह ताला में है। लिहाजा हमने जान लिया कि अल्लाह ताला ने जिस मखलूक को जिस जगह जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो अता करने वाली जात, कायम रखने वाली जात अल्लाह की जात है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं हम इंसान हैं, हमने हमें हवा की जरूरत है, मगर हम पानी में जाकर जिंदा रह सकते हैं, मगर पानी में रहने वाली मछलियां जमीन पर आकर जिंदा नहीं रहती, वो जमीन पर जिंदा नहीं रह सकती। हमारी गिजा अलग है, हम मुख्तलिफ मजे मजे की चीजें खाते हैं, मगर इसी तरह घास फूस खाकर भी जिंदा रहने वाली मखलूक अल्लाह की है। देखिए रेगिस्तान में रहने वाले को भी अल्लाह ने जिंदा और कायम रखा हुआ है, और बर्फीली जमीन पर रहने वाले को भी अल्लाह ने उनकी जरूरत के मुताबिक जिंदा और कायम रखा हुआ है। इसी तरह मोतदिल मौसम में रहने वालों को भी अल्लाह ने उनकी जरूरियात के हिसाब से तमाम चीजें दे रखी हैं। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह हमें इस बातों का अपने जहन नशीन कर लेने वाला बनाए। और जान लीजिए इन दो नामों को इसमें आजम कहा जाता है, अल हय्यू अल क़य्यूम। इन नामों के जरिए अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जरूर जरूर कबूल होंगी, दूसरी दुआएं भी कबूल होंगी, मगर इसके साथ जल्द अगर हम अपनी दुआएं कबूल कराना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के ये दो नाम और दूसरे जुल जलाल वल इकराम, इन दोनों के बारे में मैंने लास्ट क्लास में कहा था, इन नामों के जरिए हमें अल्लाह को बार बार याद करना है तो इंशाल्लाह वो दुआएं हमारे हक में जल्द से जल्द कबूल होंगी। ठीक है, अब आपको एक और इल्मी बात बताने की कोशिश करती हूँ, जरा गौर करें कि अल्लाह की सिफात है ना, नन्यन्नो सिफात है, तो इसको तीन चीजों में तकसीम किया गया है। मेरी बहनों, अल्लाह के सिफात को तीन चीजों में तकसीम किया गया है। एक तो सिफात जातिया, यानी जो हमेशा उसके साथ लगी हुई है, जैसे अल हय्यू अल क़य्यूम, समझ रहे ना, ये हमेशा अल्लाह जिंदा है और हमेशा सबको कायम रखे हुए है, ये सिफात जातिया कहते हैं इसको, उसके साथ हमेशा लगी हुई है। इसके अलावा सिफात फेलिया, फेल माने काम करना, वर्ब बोलते शायद इंग्लिश में, फेलिया ये काम की सिफात ऐसी है जो कभी रहती है कभी नहीं रहती है, जैसे नुजुल, अल्लाह ताला नाजिल होता है आसमान दुनिया की तरफ, उसका नुजुल होता है कब? हर वक्त होता है, नहीं ना, तहज्जुद के वक्त होता है ना, इस तरह। उसके अलावा वो फेल वो काम वो नहीं करता। इसी तरह बारिश बरसाने का काम है, इसी तरह दूसरी सिफात है उसकी, चंद सिफात सिफात फेलिया कहलाती है, समझ रहे मेरी बहना? एक है सिफात जातिया, दूसरी है सिफात फेलिया, और तीसरी है सिफात खबरिया। ठीक है, सिफात खबरिया क्या है? वो सिफात जिसकी अल्लाह ताला ने हमको खबर दी है, मसलन अल्लाह का हाथ है, अब उसकी कैफियत कैसी है इसके पीछे हमें नहीं जाना है, बस अल्लाह ने कहा यदुल्लाही अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर है बल्कि बोले, फिर आखिरत में अल्लाह ताला अपनी पिंडली दिखाएगा बल्कि भी एक कुरानी आयत में आया है, इसी तरह अल्लाह ताला अपने हाथ में सातों आसमानों और जमीन को अपने हाथ में उठाए हुए है बल्कि आया, मुख्तलिफ उसकी सिफात आई है जो उसने खबर दी है जिसके जरिए। तो बस हमें इल्म वाले होने की हैसियत से क्या करना है? उस पर ईमान लाना है। हाँ ठीक है, ये अल्लाह ने खबर दी, उसकी कैफियत की फिक्र में नहीं जाना है। अगर वो फिक्र में पड़ेंगे तो शैतान हमें भटकाएगा, तो उसके भटकावे से बचना है। वो जो भी सिफात है, जो भी अल्लाह ने खबर दी है हमको, उस पर हमें आमन्ना बोलकर उसको तस्दीक भी करना है और उस पर ईमान भी लाना है, उसकी तह तक जाने की कोशिश, और उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर हमें अल्लाह को देखने का दीदार करने की ख्वाहिश है तो बराबर हमें दुआएं करनी है कि अल्लाह जन्नत में हमें तेरा दीदार नसीब फरमा। जब तमाम हकीकतें तमाम पोशीदा राज सब सामने आ जाएंगे, जब अल्लाह ताला जो भी हमारे सामने जाहिर करना चाहेगा वो जरूर जाहिर करेगा, जब हमारी मुश्किल तो जो भी इश्काल होंगे वो दूर हो जाएंगे। मगर ये तीन चीजों को आप याद रखिए, थोड़ी सिफात जैसे कि रहम करना भी है, ये कौन सी सिफत में आएगा? फेलिया, कभी रहम करता है कभी आजमाता भी है, और कभी गुस्सा होता है कभी नरमी भी करता है।
ये दूसरी सिफात जितने भी है उसको डिवाइड किया गया है उलमा कराम ने, सिफात जातिया पहली, सिफात फेलिया दूसरी, और सिफात खबरिया, तीस तीन सिफात है। ठीक है, इंशाल्लाह ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। इसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया कि इसकी जिंदगी कुव्वत इतनी है, कमाल हद तक है, यानी अल्लाह की जिंदगी मुकम्मल है, और इस जिंदगी में कभी भी कोई थकान थकावट वगैरह नहीं आ सकती। मखलूक की जिंदगी ले लीजिए, मखलूक आगे की लहू माफिस समावा, नहीं नहीं कहा है वो, लाता खुजू सीनतों वलानो, इसका तर्जुमा कर रही हूं मैं, अब देखिए, लाता खुजू सीनतों वलानोम, नहीं आती है उसको सीनतों ऊंग वलानोम और ना ही नींद, यानी अल्लाह की हयात ऐसी हयात है, ऐसी कामिल हयात है, उसकी जिंदगी में कभी भी उसको कभी थकान नहीं आती, कभी कोई थकावट नहीं आती। जैसा कि ईसाइयों का एक अकीदा आप लोग जानिए कि वो कहते थे 6 दिनों ने अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया बोलते हो। यहूदिया नहीं नहीं नसरानी, ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले क्या कहते हैं वो कि 6 दिनों में ठीक है अल्लाह ने इस दुनिया आसमान और जमीन की तमाम चीजों को बनाया और 7वें दिन रेस्ट किया बोलते, मगर अल्लाह ताला क्या उसकी तर्दीद कर रहे हैं, उस बात की तर्दीद कर रहे हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं। लाता खुजू सिनतों वला नौम, मखलूक की जिंदगी में थकावट है, नींद है, ऊंग है, मगर खालिक की जिंदगी में ना तो ऊंग है और ना ही नींद है। नींद तो दूर की बात, उसको ऊंग तक नहीं आती। हम सुबह से शाम तक अगर जागते रहे, कोई काम करे या काम ना भी करे, शाम होते होते हमारी नींद का गलबा शुरू हो जाता ना, हम ऊंग पहले आती है उसके बाद नींद भी आ जाती है। ये हयात का एक नुक्स है, एक कमी है ये जिंदगी में, मगर अल्लाह ताला को ऐसी कोई चीज जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला ऐसा है जिसको नींद तो दूर की बात, ऊंग तक नहीं आती। और नींद को क्या कहा है, छोटी मौत कहा गया ना, आप लोग जानते हैं ना, जो इंसान नींद में होता है वो होश हवास से दूर रहता है, और जो मर जाता है वो तो बेहिश हो जाता है, उसको चीरो फाड़ो कुछ भी करो वो कुछ भी हरकत करने के लायक नहीं होता, मगर जो इंसान नींद में होता है वो भी छोटी मौत के बराबर सोता रहता है, उसको भी आसपास क्या हो रहा क्या चल रहा वो उसकी खबर नहीं होती जब तक वो बेदार ना हो। इसलिए हम बेदार होने की दुआ में क्या पढ़ते हैं, नींद से बेदार होने की दुआ में क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए है जिसने हमें जिंदगी बख्शी कब, मरने के बाद जबकि हम मर चुके थे। इसीलिए मौत नींद को छोटी मौत कहा गया है, तेरा ही तरफ हमें फिर लौट कर जाना है, इलैहि नुशूर और तेरी तरफ हमें लौट कर जाना है। ये छोटी मौत जो रोजाना हर आदमी पर तारी होती है, समझ रहे ना, और वो क्या है, नींद है। ये हयात का एक नुक्स है, कमी है, मगर इंसान अपने होश हवास को इसमें खो देता है, मगर अल्लाह ताला की हयात कामिल है, वो जिंदा है, और उसकी हयात ऐसी हयात है कि उसको नींद तो दूर की बात है, ऊंग तक नहीं आती, बड़ी मौत तो दूर छोटी मौत भी नहीं आती, पलक झपकने तक की भी देर वो गाफिल नहीं होता, समझ गए ना। लाता खुजूहू सिनतों वला नौम का ये मतलब है, नींद का गलबा उस पर कभी भी नहीं आता, और नींद तो छोड़े किसी चीज और का गलबा भी, अल्लाह ताला के ऊपर किसी और चीज का गलबा भी कभी भी नहीं होता, इसीलिए उसकी हयात को कामिल हयात कहा गया है, मगर इंसानों को इस तरह नहीं होता, इंसानों के अंदर ये कमजोरी है, वो मोहताज है नींद का भी। और अगर सोचिए, अगर अल्लाह ताला के अंदर ये रेस्ट आराम करने की सिफत होती तो वो मखलूकात को कैसे देखेगा, जब मखलूक को अपने खालिक की जरूरत पड़ेगी तो वो उनकी दुआओं को कैसे सुनेगा, उनकी निगरानी कैसे करेगा, उनके मसाइल को हल कैसे करेगा, अगर अल्लाह ही खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्ला गाफिल हो
सोया हुआ हो तो फिर वो किस तरह मदद कर सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी उस को जो नसारा अपना अकीदा रखते थे उसकी तरदीद करते हुए फरमाया कि उसको कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर जब मखलूक अपने माबूद को पुकार रही है उस वक्त अगर वो माबूद सो रहा है तो फिर वो किस तरह उसकी मदद करेंगे। और वहां पे नेकी भी करने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। नेकी किस लिए करते? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए करते ना। जब अल्लाह नेकी को देख रहा है नहीं सो रहा है तो वो नेकी करने का फायदा क्या? तो ये माना भी आ जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने साफ इनकार कर दिया, सरे से इनकार कर दिया। पहले ऊंग बता दी, नींद तो दूर ऊंग भी नहीं आती। ठीक है, तो हमें मालूम हो गया कि कायनात का निजाम जो चलाने वाला है, अगर पलक झपकने के बखद्र भी उस पर गफलत तारी हो जाए तो पूरी कायनात दरहम बरहम हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला का लाजमी तकाजा ये है कि वो अल खय्यूम है, अल हय अल खय्यूम है, और वो सबको थामने वाला है, और ऐसा है कि वो जरा लम्हा बराबर भी किसी से गाफिल नहीं है, चाहे वो दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए एक और दलील मिल गई हमारे अल्लाह के माबूद बरहक होने की। हमने कहा था ना कि वो माबूद बरहक क्यों है? इसीलिए है कि वो लाता हुजूर सिनतों पलानम। और अल्लाह के रसूल ने भी कहा इन्नल्लाहा ला यनामु वला यंबगी लहू अन यनाम। क्या बोले अल्लाह के रसूल ने? इन्नल्लाहा ला यनामु वला यंबगी लहू अन यनाम, कि बेशक अल्लाह ताला नहीं सोता और मुनासिब भी नहीं है उसके लिए कि वो सोए, उसकी शान के लायक ही नहीं है कि वो सोए। ये मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, और ये सिफत देखिए बड़े से बड़े नबी में भी है, बड़े से बड़े वली में भी है, बड़े से बड़े दूसरे माबूद बातिल जो है उनसे अंदर भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज। देखिए माशाल्लाह, क्या अब कौन सी सिफत बता रहे अल्लाह ताला इसमें? लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज, उसी के लिए है। लहू उसी के लिए, माँ जो कुछ भी, फिस समावाती आसमानों में है, वमा और माँ जो कुछ, फिल अर्ज जमीन में है। क्या माने? मन बोल के नहीं आया, मन जिंदा लोगों के लिए आता है, माँ बेजान जिंदा और मुर्दा हर चीज के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो मिल्कियत के एतबार से सब कुछ जो जो भी जमीनों में है, सात जमीन भी है मालूम ना, सूरह तलाक में है इसकी दलील, और जो जो भी आसमानों, सातों आसमानों में है, और वो सब अल्लाह का ही है। आपको पता होगा बीच में बहुत से वीडियोस आई थी मिल्कियत के एतबार से, ये हमारा सूरज ले लो या सितारे ले लो या जमीन ले लो, जितने सैयारे और सितारे हैं उनकी तादाद का हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने मिल्की वे है, इतने सितारे हैं, हमारे जैसे सूरज हजार बहुत ज्यादा और करोड़ों में दूसरे जमीन पे है, दूसरे सैयारों में है, मालूम दूसरे सितारों में है ये चीजें। हमारी जमीन का तो कोई पॉइंट इच नहीं है, कितनी मकदार इच नहीं है, जो कि हद नजर तक हमारी जमीन कहीं खत्म होती हुई हमें नजर नहीं आती, मगर अल्लाह की कुदरत उन तमाम चीजों में भी है मेरी बहनों। वो तमाम चीजों को आसमान में जो हमारे छोटे छोटे सितारे नजर आ रहे हैं, सैयारे नजर आ रही, वो अगर उसके हम करीब जाएं, उनमें हमारे जैसे सूरत कई लाखों करोड़ों है कहते, उसकी सही तादाद मुझे भी याद नहीं है, सुनी थी मैंने, मगर हमारे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो जानती हैं इसके हिसाब से कि बहुत से हमारे जैसे क्या बोलना चाहिए वो दूसरी चीजें भी अल्लाह की आसमान और जमीन में है, और वो सब भी किसकी है? वो सब की सब अल्लाह ही की है, अल्लाह की कुदरत में है, अल्लाह की मिल्कियत में है वो तमाम की तमाम चीज, और वो ही उसकी बादशाहत है। उस तमाम पर किसका हुक्म चल रहा है? अल्लाह ताला का। आसमानों में भी अल्लाह का हुक्म है, जमीन में भी अल्लाह का हुक्म है, और जमीन के अंदर जो जो मखलूक है उस पर भी उसी की मिल्कियत है।
आप जानते हैं जर्रा भी कायनात का उसी का है, जिंदा हो या मुर्दा हो, पेड़ हो या पौधा हो, पत्थर हो या इंसान हो, सितारे हो या सैयारे हो, समंदर हो या सब्जी हो, जानवर हो या हर कोई चीज, हर हर चीज उसी की है। उसी ने सबको पैदा किया, वही सबको फना भी करने का पूरा पूरा हक रखता है। और अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। क्या माने? लहू उसी के लिए है, किसके लिए? अल्लाह के लिए है मुल्कु समावाती, तमाम आसमानों और जमीन की बादशाहत, और तमाम जमीन की बादशाहत, और उसी की तरफ तमाम उमूर लौट कर जाने वाले हैं, यानी आखिरी दिन जो मालिक यौमिद्दीन है उस दिन। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस दिन बादशाहत किसकी होगी? सिर्फ एक जबरदस्त अल्लाह की बादशाहत होगी, मालिक से बढ़कर। देखिए, हम किसी चीज के मालिक बन सकते हैं, मगर ये पेन मेरा, मैं पेन की मालिक हूँ, या बुक की मालिक हूँ, या फोन की मालिक हूँ, मगर बादशाह नहीं बोलते ना, मैं पेन की बादशाह हूँ नहीं बोलते। बादशाहत अलग है, मिल्क अलग है, मालिक अलग है। तो अल्लाह दोनों भी है, अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी है। अल्लाह है जो चाहे कर सकता। हम किसी चीज के, घर के, गाड़ी के, किसी के मालिक हो सकते हैं, मगर बादशाह नहीं हो सकते, पूरी इख्तियार हमारा उस पर नहीं हो सकता। मगर अल्लाह मालिक भी है, मलिक भी है, हर चीज पर उसी का फैसला भी चलेगा। हत्ता के कम से कम पत्ता भी अगर गिरेगा तो वो भी अल्लाह के हुक्म से। जमीन में और आसमान में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा है। मेरी बहनों, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। किसी को, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई सेहतियाब हो रहा है, कोई किसी का मालिक बन रहा है, कोई किसी का फकीर बन रहा है। हर हर काम उसी के फैसले और हुक्म के मुताबिक होते हैं। इसके बाद अब हमें चूंके, चुनानचे, अगरचे, मगरचे कहने का किसी को इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजें कहने का अब किसी को इख्तियार नहीं है। हमें बस ईमान लाना है और उसकी तस्दीक करना है। अल्लाह जो भी करता है हमारे लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह। समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फिर आगे फरमाता है, लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्ज, और अल्लाह ही के लिए बादशाहत है, वो जिसको चाहता है बादशाह अपने अख्तियार से रिस्क देता है, और अपने अख्तियार से किसी का रिस्क छीनता भी है, कोई ज्यादा माल वाला भी है, कोई कम माल वाला भी है। और ये भी जान लीजिए, औलाद देने की भी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में है। फलां बाबा जी, फलां दरगाह वाले, फलां क्या बोलते हैं, अलम बिठाने वाले देते नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा हमारे लिए ही पूरे अख्तियार है। मैं जिसको चाहे बेटे देता हूँ, जिसको चाहे बेटियां देता हूँ, मैं किसी को दोनों भी देता हूँ और किसी को महरूम भी रखता हूँ। समझ रहे? मैं किसी को औलाद देने से महरूम भी रखता हूँ, ये तमाम मेरे अख्तियार में है। मैं ही इसके पीछे जो जो हिकमतें हैं, जो जो राज हैं, मैं ही जानता हूँ। उस हिसाब से मैं जिसके लिए जो मुनासिब है, जो चाहिए, वो देने का इख्तियार रखता हूँ। तो फिर इसी तरह एक और आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाती वल अर्ज व युअज्जिबु मन यशाउ व यग़फिरु लिमन यशाउ वल्लाहु अला कुल्ली शयइन खदीर। ये याद रख लीजिए, वल्लाहु अला कुल्ली शयइन खदीर। क्या माने? क्या तुम नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो जानो, कोशिश करो। क्या? कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जिसको चाहे अजाब देता है, वो जिसको चाहे माफ कर देता है, जिसको चाहे जो चाहे करता है, और अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो क्या मालूम हुआ? युलिजुल लैला फिन नहार व युलिजुन नहारा फिल लैल। वो दिन को रात में दाखिल करता है गैर महसूस तरीके से। हम आपको मालूम होता सडनली कोई चीज दिन जाके रात शुरू हो जाती नहीं, हम चलते रहते अचानक अंधेरा कब खत्म, उजाला कब खत्म हो गया और अंधेरा कब शुरू हुआ मालूम भी नहीं होता हम आपको। दिन को रात में दाखिल करता है, रात को दिन में, बादल आसमान साफ रहता है, अचानक नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह ही के हुक्म से बादल आ जाते हैं और बारिश बरस जाती है, धूप सूरज छुप जाता है और बारिश बरसने लगती है। ये किसके लिए है? ये कौन है? ये अल्लाह ताला है। ये करने वाला, करने वाली जात अल्लाह की है। वो मुख्तारे कुल है, यानी
हर चीज का अख्तियार उसी के पास है। वल्लदीना तदूना मिन दूनी मा यमलिकूना मिन खतमीर, ये भी जानते हैं आप क्या माने, वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को बुलाते हैं, दूसरों को पुकारते हैं, मा यमलिकूना मिन खतमीर, खतमीर वो जर्रा बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं होते। और खितमीर के माने हैं खजूर के अंदर की झिल्ली, खजूर हम जब खाते हैं उसकी बींज के ऊपर जो लगी हुई रहती है ना, बींज के नीचे जो एक पतली सफेद परत होती है उसको खितमीर कहा गया। तो अल्लाह ताला देखिए क्या उसकी हम सजा के रखते हैं, उसको खींचती है बल्कि छुपा के रखते है क्या, कोई तो वो निकाल के फेंक के खाते हैं खजूर, वो झिल्ली भी निकाल के खाते हैं। तो क्या हकीकत है उसकी, कुछ भी नहीं ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस जात को पुकारे, उस जात से मदद ले जो मदद करने के काबिल भी हो, खात उसकी हमारी मुश्किलात में हमारी मुश्किलात को दूर करने के काबिल भी हो, वैसी जात से हमें लॉ लगानी चाहिए, वैसी जात को हमें पुकारना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हाँ, मानजिल लजी यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज्निही, ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मंजल लजी कौन है, मन माने कौन है, मंजल लजी वो जो यशफाउ शिफात करे, इंदहु उसके पास यानी अल्लाह के पास ही, इल्ला बिइज्निही सिवाय उसकी इजाजत के। अब यहाँ पे शिफात के बारे में बहुत बड़ा जो लोगों के अंदर गलत फहमियां बैठी हुई हैं उसको दूर करने की जरूरत है मेरी बहनों, के ये जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं उनका सब में बड़ा दावा क्या होता है, यही दावा होता है कि हम अल्लाह को ही मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, मगर ये जो हम दरगाहों पे जाते हैं किसी और से मदद मांगते हैं ये सिफारिश ही है हमारे, हमारी ये हमारी सिफारिश करने वाले हैं, हमारे को अल्लाह के पास बचाने वाले हैं बोलते। तो ये इसका भी अल्लाह ताला तर्दीद कर दे रहे कि कौन है ये अख्तियार, किसी को हासिल नहीं है मेरी बहनों। मंजल लदी कौन है जो शिफात करे, इंदहु उसके पास, इल्ला बिज़्निही मगर उसकी इजाजत से। तो वो इसके मगर में कौन आ गए, अल्लाह, जब अल्लाह ताला जब क़यामत क़ायम होगी, जब तमाम लोग उठ के खड़े हो जाएंगे तो फैसला शुरू नहीं होगा, तमाम के तमाम लोग परेशान होंगे कि उनके साथ क्या होगा, तो वो सब कहाँ कहाँ जाएंगे, तमाम अंबिया के पास जाके सिफारिश करेंगे कि आप बोलिए अल्लाह ताला से होके फैसला शुरू करे, मगर सब अपनी अपनी कोताही को याद करके किसके पास भेजेंगे, सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब अल्लाह के हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह से अल्लाह की हमदोसना बयान करते जाएंगे और अल्लाह से इजाजत मांगेंगे, तो जब अल्लाह ताला बोलेंगे कि उठो ऐ नबी, उठो और सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। कौन दे रहे इजाजत, दिया अल्लाह ताला, और किसको दे रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दूसरे किसी अंबिया को नहीं। अल्लाह, ये है शिफात कुबरा यानी बड़ी शिफात। यहाँ तमाम अंबिया को जो हमारे नबी की फजीलत है, इसी फजीलत से के अल्लाह ताला के यहाँ वो अपनी सिफारिश करेंगे कि अल्लाह तू फैसले का वक्त शुरू कर दे, तमाम लोगों को अपने आमाल का बदला तू शुरू कर दे, तो फिर फैसला अल्लाह ताला अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगे, उस दिन तमाम काम शुरू होंगे। और इसके अलावा भी हमने जो सुना है, कुरान हमारी सिफारिश करेगा, फला फला फरिश्ते हमारी सिफारिश करेंगे, तो सुबह आने वाले फरिश्ते शाम को जाते हैं, शाम में आने वाले सुबह को जाते हैं, अल्लाह पूछेगा कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में देखा, तो बंदा फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह मैंने उसको हमेशा नमाज की हालत में छोड़ के आया हूँ, तो वो भी उसकी सिफारिश करेंगे। सूरह मुल्क हमारी सिफारिश करेगा और फजर में पढ़ा जाने वाला कुरान हमारी सिफारिश करेगा, वगैरह वगैरह जो भी दूसरी बातें हमने जो आप सही अहदीस में सुनी है मेरी बहनों, उनको भी अल्लाह ही इजाजत देगा। तो जब वो अपनी सिफारिश पेश करेंगे और अल्लाह को, तब भी अल्लाह ही को पूरा अख्तियार होगा कि वो अपनी तरफ से जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे अजाब दे।
समझ रहे ना, तो इसमें से वो तमाम चीजें खारिज हो जाती हैं जो गलत फहमी लेकर बैठे हैं कि फला फला लोग हमारे लिए सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश अल्लाह ताला कबूल करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की भी सिफारिश अपने खुदी से जाकर अल्लाह के सामने करने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही, अल्लाह की जात को ही, अल्लाह ही जिसको इजाजत देगा वो अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश अल्लाह ताला को फिर अख्तियार है कि कबूल करे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो इश्काल दूर हो जाता है जो ये कहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत, अल्लाह ही से मांगने वाला बनाए। ठीक है, इल्ला भी। फिर आगे देखिए, यालमु मा बैना अईदीहिम वमा खल्फहुम, और वो जानता है कौन, अल्लाह ताला, अल्लाह के बारे में आगे बता रहे हैं, अल्लाह की आगे सिफत, वो जानता है मा फिस समा मा बैना अईदीहिम, जो कुछ उन लोगों के सामने है, वमा खल्फहुम, और जो कुछ उनके पीछे है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, और वो नहीं अहाता कर सकते किसी चीज का उसके इल्म में से। कौन ये लोग, जो जो भी दुनिया में अपने में माबूद होने का दावा करते हैं, वो किसी के इख्तियार में भी नहीं है कि वो किसी के जाहिर को भी जाने या बातिन को जाने। आप जानते हैं ना, अल्लाह ताला तो हमारी मुंह से निकली हुई बात के अलावा दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात कैसी है, वो जात वमा फिस जात सुदूर, जो जो अल्लाह हमारे दिलों में होता है, हमारे कल्ब में होता है, उसको भी जानता है, वसवसों को भी जानता है, दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। क्या ऐसी कैफियत किसी और माबूद में हो सकती है, जो हमारे सामने है, यानी हम कर रहे हैं, जो गुजर चुका, वो जो हमारे से पहले गुजर चुका, उनके बारे में भी, जब से दुनिया बनी है तब से, फिर जब तक दुनिया रहेगी तब तक हर चीज का इल्म अल्लाह के हाथे में है, उससे हटके बाहर कुछ नहीं हो रहा, सब जो कुछ हो रहा है उसके इल्म के मुताबिक हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इल्ला बिज़्निही वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाती वल अर्ज़। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मगर सिवाय उसके जो बिमा शाह जो वो चाहे, वसिया कुर्सी समावाती, उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेरे में लिया हुआ है, वसिया घेर लिया है, कुर्सी युहस उसकी कुर्सी ने असमावात आसमानों को और जमीन, और जमीन को। यहाँ पे कुर्सी से मुराद क्या लिया गया है मेरे मालूम, अल्लाह ताला का सबसे, अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक क्या है, अल्लाह की सबसे बड़ी पैदा की हुई चीज उसका अर्श है मेरी बहनों, अर्श के बाद उसकी कुर्सी है, तो अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है उसका अंदाजा आप इस हदीस से लगा सकते हैं कि सातों आसमान, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सातों जमीनें और सातों आसमान अगर फैला दिए जाएं, पूरों को मिलाकर एक खुला मैदान बना दिया जाए, तो उसके अंदर एक अंगूठी, एक खाली, एक हल्का, एक अंगूठी को अगर आप फेंक दे तो वो कितनी छोटी दिखेगी उसके सामने, कुछ काउंट उसका कुछ वो है, कुछ गुमान कर सकते हैं। सातों आसमान और सातों जमीन को, तमाम को एक चटियल मैदान बनाकर उसमें अगर हम एक अंगूठी को फेंके, एक छोटे छल्ले को डाले, तो उसका कुछ अंदाजा हो सकता उस मैदान में, तो अल्लाह की कुर्सी ये जमीन हमारी साथ, अल्लाह की कुर्सी के सामने ये इतनी है, और अल्लाह का अर्श कितना है मालूम, इसी तरह तमाम चीजों को अल्लाह के अर्श के सामने, ये अल्लाह की कुर्सी किसी है मालूम, ये उस अर्श के सामने वो उतनी छोटी अंगूठी के मानिंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सोचिए हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी बड़ी बात है, अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि उसके सामने ये जो अंगूठी हमने अभी देखी, ये हमारी सातों आसमान और जमीन को, पूरी जमीन अल्लाह की कुर्सी के सामने कितनी है, वो छोटी अंगूठी के माने, और वो कुर्सी अर्श के सामने उतनी है, आप सोच भी नहीं सकते क्या कुदरत होगी मेरे, सुभान अल्लाह। और हम कितने गुनाहगार, कितने खताकार, उसकी नाफरमानी कर रहे,
अल्लाह हू अकबर। हमें क्या कहा है मालूम उलमा ने कि आप ये मत देखो कि आपका गुनाह कितना छोटा है, बल्कि आप ये देखो कि आप नाफरमानी किस खुदा की कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारा क्या हाल होगा मेरी बहनों, सोचिए। इतनी बड़ी बादशाहत का मालिक है वो, फिर हमें अपनी इतनी रोजाना की गलतियों के बावजूद हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है, और हम उसका सही से शुक्र भी अदा नहीं कर रहे। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे, अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं मौला, बिल्कुल गुनाहगार हैं। हमारे अंदर ताकत ही नहीं तेरी नाफरमानी कर सके, मगर हमारे ऊपर शैतान का बहुत ज्यादा गलबा है मालिक। हमारे पिताओं को तू माफ करना, तेरी कुदरत बहुत बड़ी है मालिक, बहुत बड़ी है अल्लाह, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, मगर अल्लाह तो हमारे को माफ करने की कुदरत रखता है। अल्लाह तेरा गुस्से पे तेरी रहमत गालिब आ गई ना बोलो, तू हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमें झूठ बोलने से बचा, हमें वो बात कहने से बचा जो हम अमल नहीं करते। अल्लाह हमारे अंदर अमल पैदा फरमा, हमारी अब तक की तमाम गलतियों को और गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह तू हमें माफ कर दे, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, जानते कभी अनजाने में हमसे गुनाह सरदस हो जाते मौला। वला यऊदू हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीउल अज़ीम। सातों आसमानों और जमीन का फिर अल्लाह ही मुहाफिज है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा इन पर अल्लाह की हिफाजत बोझल नहीं होती। अल्लाह ताला को इन तीन तमाम चीजों को संभालना मुश्किल नहीं है, वो थकता नहीं है, बल्कि आसान है, बल्कि सहल है। वो सारी मखलूक के अमाल पर हमेशा खबरदार है, तमाम चीजों पर निगहबान है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, कोई चीज उससे अनजान नहीं, तमाम मखलूक उसके सामने हकीर है, बिल्कुल हकीर जलील है। सब हम सब उसके मोहताज हैं, हम सब उसके फकीर हैं, और वो गनी है और वो हमीद है। जो कुछ चाहे वो कर गुजरने वाली जात है, कोई उस पर हाकिम नहीं, कोई बात पूछ करने वाला नहीं, हर चीज पर अल्लाह ही गालिब है, हर चीज का अल्लाह ही हाफिज है, और मुल्क और बुलंदी और रफअत और अजमत बड़ाई किबरियाई वाला अल्लाह ही है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई खबरगिरी करने वाला नहीं, पालने वाला नहीं, पोसने वाला नहीं। वो हमेशा किबरियाई वाला है, वो फख्र करने वाला है, वो हुवल अलीउल अजीम बुलंदी और अजमत वाला है। हम कितने गुनाहगार हैं, अपने आप को फख्र करते हैं, हम बेहतर है सोचते हैं। अल्लाह इतना मालिक होने के बावजूद भी वो हम पर एहसान नहीं जताता, उसको मांगने के वाला बंदा पसंद आता है। अल्लाह अकबर। इन आयतें और इन जैसी आयतों को सुनकर हमारे ईमान में इजाफा होता है, और अल्लाह की सिफात और उसकी जात के बारे में हमें बहुत सी मालूमात हासिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमने जो भी पढ़ा है तेरी जात के बारे में, अल्लाह हम उसका इकरार करते हैं, हम तुझे अपने मालिक और माबूद मानते हैं। अल्लाह तू ही हकीकी माबूद है, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें रियाकारी से बचा, झूठ से बचा। अल्लाह हमारी औलाद को हमारा फर्मा बरदार बना, अल्लाह तू हमारी औलाद को हमारे लिए सदके जारिया बना, अल्लाह हमारी मुश्किलों में तू हमारे लिए आसानी पैदा फरमा, हमें दुनिया वालों का मोहताज ना बना, अल्लाह दुनिया का मोहताज ना बना, हमें औलाद को नेक तरबियत करने वाला बना, हमें तेरा मोहताज बना मेरे मालिक, सिर्फ तेरा मोहताज बना। अल्लाह हमारी जरूरतों को तू जानता है, अल्लाह तू पूरी कर दे, अल्लाह तू हमें ऐसी जगह से रिस्क दे जो जिसका हमारे पास गुमान भी ना हो मौला, तू जरिए बनाने वाला है,
रिस में बरकत डालने वाला है अल्लाह, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारी सेहत में बरकत अता फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारे बच्चों को नेक तौफीक दे अल्लाह, दुनिया के फितनों से, दुनिया की बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमने जो भी पढ़ा है उसको तो कबूल कर ले और हमारे जहन नशीन कर दे, आमीन सुम्मा आमीन, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।